आज कार्तिक कृष्ण चतुर्थी है, करवा चौथ का पावन पर्व है। तो सबसे पहले जो भक्तगण यहाँ विराजमान हैं और YouTube के माध्यम से अपने घर बैठे सैकड़ों हजारों की संख्या में इस कथा का रसपान कर रहे हैं, उन समस्त भक्तजनों को, माताओं को, बहनों को आज करवा चौथ के महान पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई है। यह पावन पर्व पौराणिक है, आदि है, लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। और जैसा कि जानते हैं हम सब, सुहागिन माताएं बहनें अपने पति की दीर्घायु के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवार के कल्याण के लिए इस व्रत को धारण करती हैं और चंद्र का दर्शन करके, अर्घ दे करके व्रत का पारण करती हैं। इस व्रत के संबंध में पुराणों में अनेक उल्लेख हैं। सारा ज्ञान ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी जो बोलते हैं वो वेद होता है। तो प्रथम कथा तो इस पर्व की ये है कि देवताओं का और दैत्यों का युद्ध हो रहा था। देवता दैत्यों से परास्त हो रहे थे, तो देवताओं की जो देवियां थीं वो घबराईं, हमारे पतियों का बल न घटे, आयु छीण न हो, तो हम क्या करें। सब देवता संग्राम में थे, तब समस्त देवियां ब्रह्मा जी के निकट गईं और ब्रह्मा जी ने उस समय कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के व्रत करने की आज्ञा देवियों को प्रदान की और कहा यह चतुर्थी का व्रत पातिव्रत्य को बढ़ाने वाला है, पति के यश को, बल को, आयु को, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला है। तुम सब निर्जल निराहार रह करके कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करो। तब ब्रह्मा जी आज्ञा किए, तब समस्त देवियों ने इस व्रत का पालन किया और जैसे ही उस दिन संध्या हुई, चूंकि दिन भर युद्ध होता था, संध्या हुई और इधर चंद्रमा उदय हुए और इधर देवताओं की विजय का समाचार प्राप्त हुआ। तब चंद्रमा का दर्शन करके, चंद्रमा को अर्घ दे करके सब ने अपने पतियों के मुख का दर्शन किया, व्रत का पारण किया और इस व्रत का प्रारंभ हुआ। पहले ये व्रत देवलोक में ही रखा जाता था, देवियां ही इस व्रत को रखती थीं। जैसे गंगा जी पहले ब्रह्मलोक में ही प्रवाहित होती थीं, पृथ्वी पे नहीं होती थीं। भगीरथ जी तप किए, गंगा जी प्रकट हुई, हमारा आपका कल्याण कर रही हैं। ऐसे करवा चौथ का व्रत देवियां ही करती थीं, माने दिव्य लोकों में ही व्रत होता था। पृथ्वी पर यह व्रत द्वापर युग में प्रकट हुआ। अन्य देवियों ने भी किया है, लेकिन महाभारत ग्रंथ में भी इस पर्व का वर्णन है। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब देवी द्रौपदी ने श्री कृष्ण को प्रार्थना की कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे पति विजयी हों, धर्म की विजय हो, उनकी रक्षा हो, उनका बल न घटे। तब महाभारत में उल्लेख है कि श्री कृष्ण ने देवी द्रौपदी को करवा चौथ व्रत का उपदेश प्रदान किया और देवी
द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत पालन किया और पांडवों की विजय हुई। तो महाभारत में भी उल्लेख है। और तीसरा उल्लेख, वेद धर्मा ब्राह्मण की कन्या वीरवती का है। वेद धर्मा ब्राह्मण की कन्या वीरवती थी। उनका विवाह एक बहुत सुंदर देवज्ञ वैदज्ञ ब्राह्मण के साथ संपन्न हुआ। वो अकेली बेटी थी अपने पिता की, सात उनके भाई थे। तो उनके पिता शास्त्रों के जानकार थे। तो कन्या ने अपने पिता से पूछा कि मेरे पति की आयु बढ़े, स्वस्थ वो रहें, मैं अखंड सुहागिन रहूं, सुहागिन ही संसार से विदा लूं, ऐसा व्रत अनुष्ठान आप मुझे बताएं। तो वेद धर्मा ब्राह्मण ने वीरवती को पति सेवा का उपदेश दिया। उसमें पहला उपदेश ये दिया कि प्रतिदिन सुहागिन स्त्री को अपने पति के चरण स्पर्श करने चाहिए। आज तो ये परंपराएं लुप्त हो गई हैं, लेकिन सुहागिन स्त्री को सास ससुर के तो चरण छूते ही हैं, छूने ही चाहिए, पर अपने पति के भी चरण स्पर्श करने चाहिए। तो चरण स्पर्श करे प्रतिदिन, ये वेद धर्मा ब्राह्मण ने वीरवती को उपदेश दिया। दूसरा, अपने पति के दाहिने चरण का अंगूठा धो करके उस चरणामृत का पान करे। एक स्त्री के लिए उसके पति के भीतर समस्त देवताओं का निवास है। शास्त्रों में लिखा है कि कोई स्त्री सब तीर्थ न कर पा रही हो, धन न हो, शरीर इस योग्य न हो, समय न हो, और इच्छा है कि मैं चारों धाम करूं, 12 ज्योतिर्लिंग करूं, सारे तीर्थ करूं, पैदल करूं, सब सरोवरों में नहाऊं, ऐसी इच्छा हो, न कर पा रही हो, तो क्या करे? बोले अपने पति को ऊंचे आसन पर बिठाए और पति का पूजन करे और उसके दाहिने चरण के अंगूठे को जल से धो ले और उस चरणामृत का पान कर ले, तो पृथ्वी के सारे तीर्थ उसने किए, ऐसा पुण्य उसको प्राप्त हो जाएगा। ये बातें मन से बना के नहीं बोल रहे हैं हम, शास्त्र की बातें बोल रहे हैं। ऐसे ही पुत्र के लिए है, न सब तीर्थ धाम कर पाए तो माता पिता के चरणों का प्रक्षालन करके यदि पी ले तो उससे भी इस पृथ्वी के सारे तीर्थों का फल उसको प्राप्त हो जाएगा। तो वेद धर्मा ब्राह्मण वीरवती को प्रथम तो प्रतिदिन चरण स्पर्श करना है, ऐसी आज्ञा की है। दूसरा, चरणामृत पीना है, ऐसी आज्ञा की है। और तीसरी आज्ञा की है कि ये कर्क चतुर्थी का व्रत रखना है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को व्रत रखना है। तो उनकी कन्या ने व्रत किया। पहली ही उसकी करवा चौथ थी, संयोग से वो अपने मायके में ही थी, उसका पति भी उसके साथ था। व्रत उसने किया, बहुत कोमल थी, आयु छोटी थी उसकी, कठिन उसने व्रत किया, निर्जल निराहार। और संध्या होते होते तो वो मूर्छित हो गई, सहन नहीं उस हुआ उससे कि जल भी नहीं मैं पीऊंगी, ऐसा उसने निश्चय किया, तो मूर्छित हो गई संध्या समय। तो भाइयों को चिंता हुई कि तुम्हारी बहन ही मर जाएगी, ऐसा व्रत पिताजी ने बता दिया, ये तो कुछ खाया पिया भी नहीं, जल भी नहीं पिया, तो मूर्छित होके गिर पड़ी। और उसको कुछ लेना था ही नहीं। कभी कभी चंद्रमा भी तरसा देते हैं माताओं बहनों को, देर से आते हैं, तो पता चला चंद्रमा भी देर से आएंगे, तो व्याकुल हो गई वो, मूर्छित हो गई। तब भाइयों को चिंता हुई, उन्होंने
छल अपनी बहन के साथ किया, उसको उठाया, अरे तू तो ऐसे ही रो रही है, चंद्रमा तो निकल आए। एक भाई को दूर किसी पेड़ के ऊपर दीपक लेकर खड़ा कर दिया। दिन तो छिप गया था और दूर पेड़ में वो दीपक जुड़ा था तो लाल लाल दिखता था। अरे देख चंद्रमा तो निकल आए, अर्घ दे दे, भोजन कर ले, जल पी ले, छोड़ इस बात। तो वीरवती ने वो दूर पेड़ के बीच में से ही प्रकाश को देख के चंद्रमा मान लिया, जल दे के भोजन कर लिया। तो पहली ग्रास में उसको बाल निकला, भोजन करने बैठे और पहली ग्रास में अगर बाल निकल आए तो फिर भोजन को छोड़ दे, फिर बाद में करे। तो पहली ग्रास में बाल निकला, फिर उसने रखा, दूसरी ग्रास उठाई तो फिर ऐसा हुआ, और तीसरी ग्रास वो लेने लगी तो उसको अपने पति की मृत्यु का समाचार। तब वो मूर्छित होकर के गिर पड़ी, विलाप करने लगी। पति तो उसका मृत्यु को प्राप्त हो गया और अदृश्य भी उसका शरीर हो गया उसके पति का। पिता उसके दौड़ते हुए आए, हाय मैंने तो जीवन भर ये किया, ये मेरी बेटी के साथ क्या हो गया। बेटी ने कहा, आपने तो कहा था कि मेरा अखंड सुहाग रहेगा, अब मैंने प्रतिदिन चरण छुए, चरणामृत भी पिया, इसका व्रत भी किया, ऐसा हुआ कैसे। वेद धर्मा ब्राह्मण ने कहा कि मैं वेदज्ञ देवज्ञ ब्राह्मण हूँ, मैंने अपनी संतान को संस्कार दिए, अनुष्ठान निरर्थक नहीं हो सकता, कुछ कमी हुई है। अपने बेटों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये मूर्छित हो गई, हमने झूठ दीपक दिखा के कह दिया तो इसका व्रत भंग हो गया। अब तो वो वीरवती भी और उसके पिता भी दोनों अग्नि में कूदने के लिए तैयार हो गए। तब उस वीरवती का विलाप देख करके स्वर्ग से इंद्राणी आई, इंद्र की पत्नी, और वीरवती को कहा कि तुम धीरज धारण करो। उसने कहा मैं अब प्राण त्यागूंगी। तब इंद्राणी ने कहा तुम वर्ष भर तक प्रत्येक चतुर्थी का व्रत करो, एक वर्ष तक निर्जल निराहार, और अगली जब करवा चौथ आएगी तो हंसते हुए तुम्हारा पति तुम्हारे निकट आ जाए। तब वीरवती ने एक वर्ष तक प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया निर्जल निराहार, और अगले वर्ष जब उसने करवा चौथ का व्रत किया तो जैसे चंद्रमा निकले ऐसे ही उसको अपने पति देवता आते हुए दिखाई दे। तो वीरवती ने अपने पति को सकुशल इस व्रत से पाया। अनेक कथाएं हैं, माता अनुसुईया जी का चरित्र तो हम लोग आज कथा में भी सुनेंगे। माता अनुसुईया जी ने भी इस व्रत का पालन किया है, और देवी सावित्री ने भी जो दो महान व्रत किए हैं अपने पति के लिए, उसमें एक तो वट सावित्री अमावस्या है, वट अमावस जिसको कहते हैं, और दूसरा ये करवा चौथ का व्रत भी है। सब जानते हैं राजा अश्वपति की कन्या थी सावित्री, राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने सावित्री का अनुष्ठान किया था। देवी के अनेक रूप हैं, उसमें एक सावित्री हैं, उनका अनुष्ठान किया था। तब देवी सावित्री ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो नहीं है, पर मैं कृपा करके तुमको एक पुत्री दे देती। तब उन अश्वपति महाराज के यहाँ सावित्री देवी का जन्म हुआ, बड़े राजा थे, और बेटी का स्वयंवर करना चाहा, लेकिन जो भी वर उसके गले में माला पहनने के लिए आता उससे विवाह करने को, तो सावित्री के भीतर किसी को काली का दर्शन होता, किसी को जगदम्बा का दर्शन होता, सिंह वाहिनी का दर्शन होता, तो सब डर के चले जाते। आखिर में सत्यवान का दर्शन हुआ उनको, और पहली दृष्टि में ही सावित्री ने सत्यवान को अपने पति रूप में वरण कर लिया। अपने पिता को बताया कि सत्यवान ही मेरे हृदय में विराजमान हो गए हैं, और छत्राणी एक ही बार वरण करती है
मन से भी किसी के प्रति पुरुष भाव हो गया तो अब वही पति है, कोई और नहीं है। पिता ने कहा कि नारद जी को बुलाते हैं, पत्रिका मिलान तो करवाएं, तुमने पसंद किया तो अच्छा है। नारद जी ने आके पत्री मिलान की, बोले इसका तो एक ही बरस का जीवन बचा है, ये तो एक बरस का जीवन बचा है इसका, और राजा का बेटा तो है ये सत्यवान, लेकिन राजपाट सब छीन लिया है इस सत्यवान के पिता का, और जंगल में रहते हैं बेचारे, बड़े कष्ट से पालन करते हैं, ऐसा नारद जी कह गए। तब माता पिता घबरा गए, बेटी को कहा, बेटी अभी कोई ब्याह थोड़ो हो गया, कोई तिलक भी हमने नहीं किया, तुमने मन से ही तो माना है, छोड़ दो, अकेली तुम बेटी हो, बड़े से बड़ा राजा तुम्हारे लिए ढूंढेंगे हम। पर सावित्री जी ने कहा, मैंने मन से इनको पति मान लिया है, अब यदि किसी और का वरण करूंगी तो मेरा पातिव्रत नष्ट हो जाएगा, ब्याह नहीं हुआ था, कोई संस्कार नहीं हुआ था, तिलक भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वह मन से मान, तो यही मेरे पति हैं। माँ बाप रोने लगे, हमने यज्ञ करके तुझे पाया है बेटी। सावित्री ने कहा, पिताजी भाग्य को तो आप नहीं बदल पाओगे, और यदि मेरे में पातिव्रत है तो मेरा पति मुझसे कोई नहीं छीन पाएगा। तब सावित्री जी का सत्यवान के साथ विवाह हो गया, और सावित्री जी ब्याह के झोंपड़ी में आई, महल तो थे ही नहीं, राजा के बेटे तो थे सत्यवान, पर राजपाट सब छिन गया था उनका, जंगल में रहते थे, रोते रोते सत्यवान के पिता अंधे हो गए थे, भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी। देवी सावित्री अपने सास ससुर और पति के साथ जंगल में रहती थी, और इतनी सेवा उन्होंने अपने सास ससुर की, बहुत सेवा की, ग्रंथ में वर्णन है। उनके पति भी बड़े अपने माता पिता के भक्त थे, बूढ़े माँ बाप थे, पिताजी अंधे थे उनके, तो सब सेवा उनकी करते थे, लकड़ी काटते थे जंगल में जाके, उसको बेचते थे, उससे जो आना दो आना आता था उसी से रोटी पानी घर का चलता था। तो सत्यवान की सेवा तो करती थी घर की सत्यवती, लेकिन दिन भी गिनती रहती थी। नारद जी ने बताया था कि फला दिन तेरे पति का शरीर छूट जाएगा, तब उन्होंने वट सावित्री का, वट अमावस्या का व्रत किया, और करवा चौथ का व्रत आया तो वो भी व्रत किया। उनके व्रत से सावित्री देवी प्रसन्न हुई, तो यही कहा कि मुझे अखंड सौभाग्य का वर चाहिए। देवी सावित्री ने वर दे दिया, लेकिन अल्पायु थे सत्यवान। जिस दिन शरीर उनका छूटना था, सावित्री संग ही जंगल में गई, सूखे पेड़ के ऊपर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चढ़ गए। वो सवेरे से ऐसी बातें करने लग गए, उस दिन लकड़ी काटने जाए तो उनको कोई पेड़ ही न मिले, जंगल में एक सूखा पेड़ दिखाई दिया, तो सावित्री से बोले, देखो ये पेड़ भी कभी हरा भरा होगा, पर आज सूख गया है। ऐसे ही मनुष्य जीवन में बहुत समय हरा भरा रहता है, लेकिन एक समय में आके सूख करके गिर जाता है। तो सावित्री ने कही, ऐसी बात मत करो। सत्यवान चढ़ गए पेड़ के ऊपर और डाल को काट रहे थे, उसी समय काल सर्प बनकर आया, सत्यवान को डस लिया, और उसी समय सत्यवान पेड़ से नीचे गिर गए। उसी समय बाट में सावित्री तो बैठी ही थी, ऐसा उनका पातिव्रत था कि साक्षात यमराज उनको आते दिखाई दिए। ऐसा नहीं था कि सत्यवान की कोई अधोगति होनी थी। पत्नी का जो तप है, पत्नी की जो पवित्रता है, उससे पति का ओज बढ़ता है, उसका बल बढ़ता है, ये यथार्थ बात है। चूंकि जिन लोगों के यहां स्त्री भोग की वस्तु है वो तो वो जाने, हमारे यहाँ बीबी नहीं है, ये तो विधर्मियों के शब्द हैं, वाइफ नहीं है, बीबी नहीं है, बीबी तो वहाँ है जहाँ भोग की वस्तु है, केवल बच्चे पैदा करने की मशीन है, जिन लोगों के यहाँ वहाँ बीबी है।
हमारे यहाँ धर्म पत्नी है, अर्धांगिनी है, वो भार्या है, वो ग्रह लक्ष्मी है। लेकिन मुसीबत ये है कि धर्म पत्नी कहने में आजकल शर्म आती है, वो बीवी और वाइफ बताने में गर्व महसूस होता है, यही दुर्बुद्धि है। धर्म पत्नी है, पत्नी किसको कहते हैं? जो पति का पतन होने से बचा ले उसको पत्नी कहते हैं, जो पतन के रास्ते पे ले जाए उसको पत्नी नहीं कहते। और पत्नी भी नहीं, धर्म पत्नी, जो धर्म के पथ पे लगाए, जो अर्धांगिनी है, जो पुरुष का आधा अंग है, जो भार्या है, जो घर की लक्ष्मी है। संसार में तो महिला आरक्षण की बात राजनीति के लोग करते हैं, इतना प्रतिशत उतना प्रतिशत। अरे हमारे ग्रंथों ने जैसा महिला आरक्षण दिया दुनिया में ऐसा दे नहीं सकता कोई। कितना आरक्षण है सोचिए। एक पंडित जी काशी में 10 साल तक पढ़े, खूब शास्त्र घोटे, तब नाम के आगे लगा पंडित जी, शास्त्री जी, पंडित जी तब लगा बेचारे। 10-20 साल माथा खपाए पोथी में, अब ब्याह हो गया अनपढ़ के साथ, वो ब्याह होते ही बन गई पंडितानी, उसे भले अपना नाम न लिखना आता। तो पंडित जी के साथ ब्याह हो गया तो पंडितानी हो गई। तो बताइए कितना आरक्षण, इतना आरक्षण हो जाएगा कहीं क्या? पति जो भी पुण्य करे, सत्कर्म करे, उसका आधा भाग उसकी धर्म पत्नी को प्राप्त होगा। वो तो कोई भी सत्कर्म करती करता है, और पति से जो पाप होंगे वो अकेला भोगेगा, उसमें एक आना उसके पत्नी नहीं भोगेगी। पत्नी जो पुण्य करेगी, सत्कर्म करेगी, उसका 100% उसको ही मिलेगा, पति को नहीं मिलेगा। और पत्नी से पाप हो गए तो आधा उसका पति भोगेगा। इतनी व्यवस्था ऋषि मुनियों के द्वारा दी गई। क्यों दी गई? वो ग्रह लक्ष्मी है, ध्रुव प्रहलाद को वही जन्म देगी, पितरों को जल देने वालों को वही जन्म देगी। दिवाली होली सब उसी से हैं, वो ग्रह लक्ष्मी है, घर को वैकुंठ अयोध्या वृंदावन वही बनाएगी, अच्छी संतान को जन्म वही देगी। इतनी छूट दी, वो ग्रह लक्ष्मी है, क्योंकि घर की सारी व्यवस्था उसके पास है, संस्कार संतान को वही देगी, इतनी छूट दी है। लेकिन भले सत्कर्म का फल उसको मिलता हो, लेकिन जैसे संसार में होता है ना, जेब खर्च कोई पति अपनी पत्नी को दे, अब भले उसमें से खर्चा उसका 20% हुआ, तो 80% प्रायः घर की सुहागिन माताएं बहनें बचा ही लेती हैं, जोड़ती रहती हैं, वो उनके अपने पैसे होते हैं, चलो अच्छी बात है। लेकिन कभी जीवन में जब पति के ऊपर संकट आता है, अभाव होता है, या व्यापार में घाटा हो गया, तो वो ग्रह लक्ष्मी क्या उस पैसे को कहीं ले जाती है? वो आखिर में इकट्ठी तो जीवन भर करती रहती है, लेकिन आखिर में वो सब पति को ही दे देती है, या बच्चों को दे देती है, कहीं ले तो नहीं जाती। तो ऐसे सत्कर्म का फल भले उसको प्राप्त होता है, धर्म पत्नी को अपने सत्कर्म का पूरा फल प्राप्त होता है, पर अंततः ब्याज लग के वो सब फल उसके परिवार को ही मिल जाता है। इसलिए बहुत त्याग है। एक स्त्री यदि ईमानदारी से पातिव्रत को ही निभा ले, तो भागवत भी कहती हैं, रामायण भी कहती हैं, सब ग्रंथ कहते हैं, ईमानदारी से केवल पातिव्रत को निभा ले तो पातिव्रत उसको पार कर दे। ऐसे एक उदाहरण नहीं है, अनेक उदाहरण। जलंधर वृंदा की कथा आप सबने सुनी होगी। जलंधर तो राक्षस था और वृंदा राक्षस पति के प्रति पातिव्रत रखती थी, और परिणाम ये हुआ कि नारायण की प्राप्ति हुई, तुलसी जी के रूप में घर घर पूजी जा रही है वृंदा। तो केवल पातिव्रत्य निभा ले,
इसको ऐसा समझना चाहिए कि जैसे हम लोग घर में ठाकुर जी विराजमान करते हैं, तो दुकान से लेके आए पीतल के विग्रह हैं, किसी भी चीज के विग्रह हैं, तो उन मूर्तियों की हम भगवान मान के सेवा की है जीवन भर, तो पूजा तो की मूर्ति की, प्राण प्रतिष्ठा की, लेकिन उस मूर्ति की सेवा करने से मिलेगा क्या? मूर्ति की प्राप्ति नहीं होगी, भगवान की प्राप्ति होगी। श्री राधा कृष्ण की प्रतिमा की पूजा करी तो साक्षात राधा कृष्ण और उनका धाम प्राप्त होगा। भगवान सीताराम की मूर्ति की पूजा की तो सीताराम मिलेंगे, उनका धाम मिलेगा। तो पूजा तो मूर्ति की थी, लेकिन साक्षात रूप में भगवान प्राप्त होंगे। ऐसे ही वास्तव में पति तो श्री कृष्ण ही हैं। आरती में क्या हम लोग गाते हैं? तुम हो एक अगोचर सब के प्राण पति, स्वामी सब के प्राण पति, किस विद मिलूं दया मैं, किस विद मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, गोविंद सबके प्राणपति हैं। तो पति तो श्री कृष्ण ही हैं, श्री हरि ही हैं। तो फिर जिनके साथ फेरे लिए हैं ये कौन है? ये ऐसे ही समझिए जैसे श्री राधा कृष्ण की प्रतिमा, सीता राम जी की प्रतिमा, सुहागिन स्त्री को उसके पति उस परमेश्वर की प्रतिमा के रूप में मिले। जैसे घर में विराजमान ठाकुर जी की साक्षात भाव से सेवा करने पर वो मूर्ति की प्राप्ति नहीं होगी, वो जिनकी प्रतिमा है उनकी प्राप्ति होगी। ऐसे जो पति है स्त्री का, वो भगवान की प्रतिमा है उसके लिए। यदि एक स्त्री ने अपने पति को परमेश्वर मान के पूज लिया तो परिणाम स्वरूप उसको श्री कृष्ण, श्री राम, श्री हरि के चरण मिलेंगे। आप कितने उदाहरण प्रमाण ग्रंथ में देख सकते हैं। गोपिकाएं कहने को उन्होंने घर वालों को मन से त्याग कर भगवान का भजन किया, लेकिन उन गोपियों के चरण रज की पूजा अनुसुईया जी करती हैं। अभी हम लोग अनुसुईया जी की कथा सुनेंगे, आज भागवत जी के क्रम में भी आएगी, और करवा चौथ के दिन पतिव्रताओं की कथा सुननी चाहिए। संध्या समय सुहागिन पूजा करती हैं तो कथा कहती हैं, तो पतिव्रताओं की कथा सुननी चाहिए। तो भागवत जी में भी हम लोग पतिव्रता की कथा कहेंगे। तो उस विग्रह की पूजा करने से अनुसुईया जी गोपिकाओं के चरणों की पूजा करती हैं। क्यों करती हैं? उन्होंने ऐसा क्या किया? अनुसुईया जी कहती हैं कि हमने अपने शरीरधारी पति को परमेश्वर माना, तो हमारी जो पहुंच हुई वो तो दिव्य लोकों तक ही हुई। शरीरधारी पति में परमेश्वर भाव हुआ, पर सबसे बड़ी पतिव्रता तो गोपिकाएं हैं जिनका पातिव्रत्य श्री कृष्ण तक पहुंच गया। गोपिकाओं से बड़ी कोई पतिव्रता नहीं है। उन्होंने तो ऐसा पति भाव को पूजा कि साक्षात नंदनंदन परमात्मा उनको राज बिहारी रूप में मिल गए। तो ये सामान्य व्रत नहीं है। और एक बात इस अवसर पे और कहें, पति पत्नी में हंसी मजाक हो वो तो ठीक है, परिवार में भी हंसी मजाक हो, पर मेरे भाई बहनों कभी त्योहार और व्रत को लेके हंसी ना उड़ाइएगा। ये हम हिंदुओं का माथा खराब हो गया है कि हम व्रतों की मजाक, करवा चौथ आएगी तमाम उस पर जोक बन जाएंगे। हम लोग पागल हो चुके हैं क्या? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? अपने व्रतों का मखौल उड़ा रहे हैं, ये सामान्य व्रत है क्या? कोई यवन रोजे का मखौल बनाता है क्या? हम लोग व्रतों का, उत्सवों का मखौल बना, हंसी हो आपस में वो तो ठीक है, घर में सब हंसी करें वो तो ठीक है, लेकिन व्रत का मजाक नहीं, उपासना का मजाक नहीं। कितने कितने
जोक मजाक सब हिंदू त्योहारों पर ही होने लगते हैं। नहीं, मजाक का विषय नहीं है ये आदर का विषय है। तो करवा चौथ का व्रत सावित्री जी ने किया, वट अमावस्या का किया, सत्यवान पेड़ से गिर गए और ऐसा उनका पातिव्रत्य कि उनको यमराज महिष के ऊपर सवार आते दिखाई दिए। यमदूत नहीं भेजे, सामान्य लोगों के लिए यमदूत आते हैं, पुण्यात्माओं के लिए तो यमराज खुद आते हैं धर्मराज के रूप में, और जो संत महापुरुष होते हैं वहां फिर ठाकुर जी पधारते हैं या अपने परिकरों को भेजते हैं। तो धर्मराज के रूप में यम आए और सावित्री का ऐसा पातिवृत्ति की देख लिया यमराज को, प्राण ले जा रहे हैं मेरे पति को, और सब जानते हैं पीछे चल पड़े सावित्री, पीछे पीछे चल पड़ी। ऐसा तप यमराज चलते गए बहुत देर तक, तो उनको खबर भी नहीं लगी कि सावित्री पीछे आ रही है। आखिर यमराज जो इस पृथ्वी का ब्रह्मांड है उसको पार कर गए, और धन्य है देवी सावित्री वो भी इस ब्रह्मांड सतह को पार कर गए दिव्य लोक की तरफ। तब यमराज को लगा कि पीछे कोई आ रहा, तब पलट के देखा, कौन? मैं सावित्री हूं जिसके पति सत्यवान के प्राण लिए जा रहे हो। अरे तो आज उसका जीवन पूरा हो गया, पुण्यात्मा था, तुम्हारे भी पुण्य उसको मिल गए अंतिम समय, तो मैं ले जा रहा हूं अब। नहीं, मेरे पति के प्राण लौटाने होंगे आपको। अरे देवी, यमराज किसी के प्राण निकाल ले तो लौटा सकता है क्या? नहीं, पर तुम हो बड़ी पतिव्रता और यहां तक आ गई हो, तो पति के प्राणों को छोड़ के कोई एक वर मांग लो। प्राण तो नहीं दूंगा, कोई एक वर मांग लो। तब क्या मांगती हैं सावित्री? कि मेरे जो सास ससुर हैं उनकी आंखों की ज्योति मिल जाए, और जो षड्यंत्र करके उनका राज्य छीन लिया है विधर्मियों ने, आताताइयों ने, वो उनको मिल जाए। तो यमराज कहे ठीक है जाओ। तो सास ससुर अंधे हो गए थे, वो नेत्र मिल गए और राज्य मिल गया, पर फिर भी सावित्री नहीं मानी, फिर पीछे चलती रही। फिर यमराज चलते 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 और ब्रह्मलोक में पहुंच गए। सावित्री पातिव्रत्य के बल पर ब्रह्मलोक में भी पहुंच गए। फिर यमराज ने कहा, अरे तो फिर आ रही है, तुझे वर दे दिया मैंने पर यहां तक भी तू आ गई, तो एक वर और देता हूं पर पति के प्राण नहीं दूंगा, उसको छोड़ के कोई एक और वर मान ले और जा। तो दूसरा वर मांगती हैं कि मेरे पिता के घर पुत्र नहीं है, तो मेरे पिता के घर 100 पुत्रों का जन्म हो, मेरे 100 भाई ऐसा हो, तो ठीक है जाओ। ये भी दिया, अब मत पीछे आ। फिर सावित्री पीछा नहीं छोड़ती। अब यमराज को तो यमलोक जाना था, तो यमलोक के रास्ते में वैतरणी नदी पड़ती है, एक ऐसी भयानक नदी जो सबको पार, जिसको भवसागर भी कहते हैं, वो नदी पड़ती है। तो नदी तो नहीं पार कर सकता कोई शरीर से, तो वैतरणी के किनारे जब सावित्री आई तो देखा उसको कैसे पार करूं मैं। तब फिर सावित्री मैया को याद किया जिनकी वो पूजा करती थी। जितने भी पति की उपासना के माने ग्रस्त ठीक रहे, राजस्थान में गणगौर का व्रत होता है, या भी 4 दिन बाद अहोई अष्टमी आएगी, पुत्रों के लिए व्रत रखा जाएगा, आज का व्रत है, जितने व्रत हैं सुहागिन के लिए, पति पुत्रों के कल्याण के लिए, वो सब देवी के ही व्रत हैं सारे। आज भी 5 की पूजा होती है, शंकर भगवान की, पार्वती जी की, गणेश जी की, कार्तिकेय जी की और चंद्रमा की। जो प्राचीन विधान है यही है, जो कलश की स्थापना होती है उस कलश में ये चारों देवता हैं, शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, और फिर अर्घ देंगे रात को चंद्रोदय के समय तो चंद्रमा की। तो बैतरणी नदी पड़ी, वो कैसे पार होगी? तो फिर सावित्री देवी सावित्री को जगदम्बा को याद किया, तो देवी सावित्री जगदम्बा सावित्री गैया बन के आ गई।
शास्त्रों में लिखा है बैतरणी कैसे पार होती है, जिसने जीवन में गौ दान किया हो, गौ सेवा की हो, वो बैतरणी पार कर पाता है। गैया की पूंछ पकड़ के भवसागर पार होता है, ऐसे नहीं होता। इसलिए गौ सेवा प्राणी मात्र को करनी चाहिए। गौ सेवा करे से गोपाल प्रसन्न होते हैं। तब देवी सावित्री ने गैया की गोमाता प्रकट हो गई, वहां जगदम्बई गोमाता बन के आ गई और सावित्री जी ने पूंछ पकड़ ली गैया की और वो वैतरणी भी पार कर यमराज यमलोक में प्रवेश कर गए। सावित्री वहां चली गई दरवाजे, फिर यमराज ने दिखा रहे तो मेरा पीछा छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी, यहां तक आ गई, वैतरणी पार हो गई, सागर तूने पार कर लिया, कैसे कर लिया, बड़ी जोर पतिव्रता है, अब आखिरी वर देता हूं, बस पति को तो लौटाऊंगा नहीं, वो वर नहीं मांगना, प्राण हरण कर ले, आखिरी वर देता हूं, चली जाओ। तब सावित्री ने कहा कि मुझे पुत्रवती होने का वर दे दो। और यमराज कहे तथास्तु। जब चलने लगे तब फिर रोका, बोले बस अब तीन वर दे दिए। तब सावित्री ने कहा कि पति को लिए जा रहे हो, पुत्रवती का वर दे के जा रहे हो, कैसे बात होगी। तब आखिर में यमराज हार गए। सावित्री के चरणों की पूजा की यमराज ने, प्रणाम किया और आखिर में सत्यवान के प्राण छोड़ दिए। तब सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेके आई, राज्य भी मिल गया, संपत्ति भी मिल गई, पिता पक्ष में जो अभाव था वो भी दूर हो गए और सतियों में महान सती जगदम्बा सावित्री जी कहलाई। कहिए सावित्री मैया की जय हो। तो आज सतियों की कथा कही जाती है, सुनी जाती है। अभी तो हर चीज पलटती जा रही है, कोई त्योहार है, उत्सव है, उसमें इतनी ज्यादा मिलावट और इतना ज्यादा प्रपंच हो गया है, सजना संवरना उत्सव सब ठीक है, लेकिन जो मूल है वो तो न छूट जाए ना। होली का त्योहार मना रहे हैं तो ये तो याद रहे ना कि ये त्योहार प्रकट किसने किया है। प्रहलाद जी को जलाना चाहा और प्रहलाद जी हरिनाम संकीर्तन के प्रभाव से अग्नि से बच गए, तो प्रहलाद जी को याद नहीं किए तो फिर होली का क्या अर्थ रहा। श्री राम दीपावली को आए हैं, श्री राम को याद नहीं किए, लक्ष्मी जी का प्रागट्य है, जगदम्बा लक्ष्मी जी का स्मरण नहीं किए तो कैसी फिर दीपावली है। ऐसे ही इस करवा चौथ को जो हमारे भारत में सतियां हुई हैं, उन सतियों को प्रणाम नहीं किए तो फिर कैसे करवा चौथ। या पूरा दिन भूखे रहे, सोते ही रहे कि जाग जाएंगे तो भूख लगेगी। और आजकल तो एक विचित्र रिवाज देखने को मिलता है कि संध्या हुई और चंद्रमा देखा और सारे रेस्टोरेंट भरे होते हैं। वो देवी कह देती कि आज मेरे से कुछ नहीं बनेगा, मुझे तो होटल में लेके चलो। माथा चल गया है क्या, व्रत का पारण होटल में जाके होगा क्या? तो सारा पुण्य तो वेटर ले जाएंगे वहां के, पति को काहे का पुण्य मिलेगा, ये हम क्या कर रहे हैं। और दिन होटल चले जाइए, जाना ही है तो, बाकी वैष्णव को तो शोभा नहीं देता। पर आजकल कितना रिवाज चला है कि पूरा दिन वो देवी भूखी थी तो वो अब कुछ बनाएंगी नहीं, तो आज तो होटल में जाएंगे, तो व्रत तो वो होटल वाला का फल ले जाएगा, इसलिए शायद उसका होटल इतना चल रहा है, क्योंकि सारी सतियों के व्रत का पुण्य ही उसे मिल रहा है, पति को तो पुण्य ही नहीं मिल रहा। क्या वेटरों को मिलेगा जो वेटर भोजन परोस रहे। जितना व्रत का विधान है मेरे भाई बहनों, उतने व्रत का पारण का भी विधान है। हम लोग एकादशी व्रत रखते हैं तो अगले दिन पारण का समय पत्र में लिखा होता है, गुरु लोगों को स्मरण करके तब महाप्रसाद का कण लेते हैं। व्रत करना है और व्रत खोलना कैसे है, तो होटलों में जाके नहीं, पुण्य तो वो ले जाएंगे, पति को काहे का पुण्य मिलेगा, तो घर पे ही उस दिन रसोई बनाए, प्रभु को भोग लगाए, फिर सब लोग प्रसाद पाए। बाजार से ठीक नहीं है, घर पे बनाइए, थोड़ा बनाइए, जैसा बनता है बनाइए, लेकिन नहीं। तो सतियों का स्मरण आज होता है, जिनमें देवी अनसुईया जी महान सती हुई।